आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ कन्हैया कनौजिया जी है, जो पूर्व पुलिस अधिकारी है और अब बसपा में लड़ रहे हैं। हम जानेंगे कैसी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में फाइट। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का विकास का मुद्दा है और जिस विधानसभा में 303 कपिलवस्तु में मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, वो काफ़ी दिनों से उसका विकास नहीं हुआ है, तो उसका विकास करने के लिए मैं अपना प्रण ठाना हूँ। यदि जनता मुझे 5 साल का मौका दिया तो कपिलवस्तु को मॉडल बनाने का काम करूँगा। कनौजिया जी, पहले आप सपा में थे, फिर भी बसपा में आए, तो क्या परिवर्तन है विचारधारा का? जब हमारे समाज का सपा ने अपमान किया तो अपने समाज को अपमान को बचाने हुए बहन जी के शरण में आया और बहन जी ने हमारे समाज का सम्मान किया और मुझे टिकट दिया। बिल्कुल, कपिलवस्तु में क्या मुख्य मुद्दे हैं? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, तो आपके आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? हमारे विधानसभा पिछड़ा विधानसभा है, काफ़ी विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की कमी है और वहाँ सिंचाई व्यवस्था की कमी है, पुलों की कमी है, तमाम नदी नाले हैं और जो खेती है वो ऊँची नीची हैं, उसे समानता कराने की भी व्यवस्था जितने पे किया जाएगा और वहाँ नौकरी की जो प्रतिशत है काफ़ी कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे निवेदन किया जाएगा कि कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध की धरती है उसके विकास के लिए मॉडल बनाने के लिए योगदान दें। बिल्कुल, आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कपिलवस्तु से, आपका मुख्य जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी तो इस समय कोई नहीं है, मुसी से सारे लोग लड़ रहे हैं। जी, कितने वोटों से जीतने की आपको संभावना है? मैं तो लाखों वोटों से, जो जनता की रुझान है वो ये है कि जो 5 साल सपा रही और 5 साल बीजेपी रही और विकास के नाम पे एक ईंट नहीं रखा और ये पढ़े लिखे इंसान है, प्रशासन चलाना जानते हैं और विकास भी ये करेंगे, इसलिए मुझे वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस बार कैसी होगी? बीएसपी सत्ता में आई तो क्या मुद्दे रहेंगे? बीएसपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है और उत्तर प्रदेश का विकास और सम्मान, सर्व सम्मान का विकास, सर्व समाज का विकास, ये मुख्य मुद्दे होंगे। बिल्कुल, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ये धरती है कपिलवस्तु, वहाँ से बसपा से लड़ रहे हैं कन्हैया कनौजिया जी। जीत की उम्मीद है और सरकार बनने की भी उम्मीद है। आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।